अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हो इनायस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन के कबाब, जो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप रमजान में जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन के कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप भर के सोयाबीन लिया है, जिसे न्यूट्रेला भी बोलते हैं, और यहाँ मैंने 1/2 कप चने की दाल ली है। यहाँ हम एक कुकर लेंगे, कुकर के अंदर चने की दाल डालेंगे, सोयाबीन ऐड करेंगे। चने की दाल को और सोयाबीन को मैंने 1/2 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। अब उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 तेज पत्ते, 3 खड़ी लाल सूखी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 कप पानी। पानी थोड़ा ही डालना है क्योंकि मैंने इसे दोनों चीजों को भिगा के लिया था। अच्छे से मिक्स करके लेंगे, इसको कवर करके 2 सीटी आने तक इसे अच्छे से पका के लेना है। 2 सीटी आने तक मैंने सोयाबीन को पका के लिया है। ये देखिए अच्छे से पक गया है और इसकी दाल भी चेक कर लेते हैं। देखिए दाल भी अच्छे से गल गई है। अब हम इसे फैन के नीचे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस के लेंगे। पीसते वक्त ये जो तेज पत्ते हैं इसे निकाल लेंगे, बाकी सब चीजों को हमें पीस के लेना है। देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसे पीस के लिया है। इस तरीके से मैंने देखिए इसे पीस के लिया है एकदम बारीक। अब उसी में आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप 1/2 लेमन भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक। नमक मैंने पहले भी डाला था, ध्यान से डालिएगा, आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना मत डालिएगा। यहाँ मैंने 1 प्याज ली है मीडियम साइज की, जिसे मैंने बारीक काट के लिया है, ये डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मैंने यहाँ मिक्स करके लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल तैयार करके लेंगे और इसे कबाब का शेप देंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे और इसको एक शेप देंगे, गोल शेप। इस तरीके से हम सभी तैयार करके लेंगे। यहाँ मैंने कबाब को रेडी कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। कबाब को हमको शेलो फ्राई करना है। शेलो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाला है तवे पे, जिसे मैंने गरम करके लिया है। अब हम सभी कबाब को इस पे रख देंगे। आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होगा। कबाब को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए और मैंने साइड चेंज कर ली है। साइड चेंज करके हम इसे दूसरी तरफ 2 से 3 मिनट पका के लेंगे। दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट मैंने कबाब को फ्राई करके लिया है। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसी तरीके से हम सारे कबाब को फ्राई करके लेंगे। देखिए हमारे सोयाबीन के कबाब बनकर तैयार हो गए और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बने हुए हैं। ये इतने ज्यादा टेस्टी बने हुए हैं कि आपके मेहमान पहचान नहीं पाएंगे कि ये नॉन वेज है कि वेज बनाया हुआ है, और उन लोग को ये बहुत पसंद आएगा। प्लीज आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 1 टाइम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।